हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में से ब्लॉग्स में। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी शॉप पे, सही नमाज घर पे है, सही घर पे वेट कर रहा है कि कब मम्मा आएगी। बस अब मैं भी बढ़ा कर जाने वाली हूँ शॉप, तो मैंने कहा चलो आपसे ही बातें की जाए। तो अभी तो खैर चलो शॉप की स्टार्टिंग है, अभी तो कस्टमर्स का इतना है नहीं क्योंकि एक्सप्लोर ही हो रहा है अभी। तो देखते हैं, अभी तो बैठे हैं गाइस, वेट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स मिले। बाकी रौनक तो अच्छी है मार्केट में, रौनक तो काफ़ी अच्छी है, रौनक का तो कोई वो नहीं है। मैं दिखाती हूँ किस तरह मैंने शोकेस किया, इस तरह ये गंजी है क्योंकि जगह हमने शॉप की इस तरह मैंने किया हुआ है। और दिखाते हैं आपको ये चेंजिंग रूम में अभी फिलहाल, तो मैंने ये डाल दिया, मैंने कहा ये घर में भिजवाऊँगी मैं। तो ये मिरर, छोटा सा चेंजिंग रूम, साथ में ये मिरर भी लगवा दिया, मैं ही दिखाई दे रही हूँ उनके मिरर में। है तो छोटा सा ही है चेंजिंग, तो ये है कि रेडीमेड की शॉप पे चेंजिंग रूम होना बहुत ज़रूरी है। बाहर इस तरह ये चेंजिंग रूम में, और यहाँ पर आ गया हमारा बैग, ये कंसीलिंग लाइट्स है सारी, तो मैंने जगाई नहीं, थोड़ी गंदी जगह रहती है। और ये छोटा सा काउंटर था, और ये कॉफी रखा हुआ है, ये हमारे मंदिर, मंदिर भी सही साफ हो गया है। यहाँ गाइस पहुँच गए थे हम, तो पहुँच गई थी मैं शॉप से। यहाँ देखो गुगु मुगु को स्प्रिंग रोल खा रहा है, स्प्रिंग रोल ले आई थी मैं। आए सच में थक जाता है बंदा, आके तो आके ही बंद नहीं रहती कुछ भी। स्प्रिंग रोल दिखा, कैसे कैसे लग रहे हैं, स्वाद है, अच्छा है। हाँ बनाते अच्छे हैं, ये एक बात है, कहने को मिनी मार्केट है हाँ। पर चीजें सारी मिल जाती हैं, सुपर मार्केट जैसी है, सही बात है, हर एक चीज मिल जाती है। और वैसे भी ये स्ट्रीट फूड तो वैसे ही बड़ा टेस्टी लगता है, क्या नहीं, स्ट्रीट फूड का तो अलग ही होता है सिलसिला हाँ। अच्छा हर एक शॉप है, ज्वेलर की शॉप है, पार्लर की दो तीन शॉपे, पर ये है कि रेडीमेड की अभी मेरी गाइस पहली है शॉप, तो देखो रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही हाँ, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, आज कोई नहीं आ रहा कस्टमर तो कल तो आएंगे हाँ। बाकी ये है कि दुकान ओ गुरु चुप हो जाओ, अब ये व्लॉग है, कोई प्रवचन नहीं है अरे प्रवचन नहीं दे रही है हाँ, तू खा खा, मेरा तो आज फास्ट है, मैंने तो खाना नहीं, मुझे तो बताती तुझे बारी ना आने देती इसकी, आया बड़ा लगा हुआ है देख दी। और काम हो गया तेरा सारा, अभी तो प्रोजेक्ट पड़े है, प्रोजेक्ट बनाओ, देख कैसे खा रहा है, देख क्या हो रहा है, ये दांत में दर्द है, ज्यादा से करके खा रहा है, गरम है, अच्छा हाँ गरम गरम तो होंगी क्योंकि 5-10 मिनट में कौन सा ठंडे होते हैं। मुझे धीरे धीरे नहीं, 10 तो लगते ही है, 10 ठीक कह रहा, तो 10 ही लगते हैं वैसे, अब तो ना पैदल पे चढ़ गया है रास्ता, अब तो पैदल जा जा के सड़क की शादी मैंने, पैदल चल चल के भूख तो बोर होता है मेरे बगैर, मन लग जाता है, मन लग जाता है सच में हाँ। मिस नहीं करता तो थोड़ा कभी मुझे हाँ।
मैं भी नहीं करती कुछ, मैं तो कभी बिल्कुल ही नहीं मिस करती मैं भी तुझे। हाँ। देखा बुढ़ा वो है तू, बहुत तेज है। आ तो वैसे रुड़कले बनाए ना, काफी क्रिस्पी से लग रहे हैं। लट्टू ही नहीं खा पाया तो और ज्यादा कच कच करके दिखा रहा है मुझे। अभी पापा भी आने वाले और मैंने कुछ नहीं बनाया अभी तक खाना। आ तो देखूंगी पनीर वाले परौंठे बना देती हूँ। पनीर वाले परौंठे खा लो सीधी सी बात है। पनीर अभी मंगा लेती इंस्टा से, दो मिनटों में आ जाएगा। पनीर वाले परौंठे खा लो ना, और क्या। अभी यार मैं भी क्या बनाऊँ, व्रत वैसे है, थकी पड़ी हूँ मैं। Those organisms which can make food themselves for simple substances like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis are called autotrophs, ठीक है, and their mode of nutrition is called autotrophic. All the green plants are autotrophs, ठीक है। This is because green plants can make their own food from simple substances like carbon dioxide and water present in their surrounding by the process of photosynthesis. In other words, ठीक है, green plants have autotrophic mode of nutrition. For example, wheat plant and autotrophs having autotrophic mode of nutrition. Autotrophs contains a green pigment called, ठीक है कुकु ध्यान से सुन, autotrophs contains a green pigment called nutrition. Autotrophs contains which helps them make food by absorbing, ठीक है, absorbing energy from sunlight. Most of the plants are green, hence the synthesis make their own food. ठीक है, ये फिगर वन दिखाई गई है उसमें देखियो, और इसके बाद है ना मुझे समझाइयो ये तूने क्या समझा, ठीक है, फिर समझ। द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली देमसेल्फ, दे आल्सो मेक फूड द नॉन ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आवर बॉडी एंड डैट ऑफ अदर एनिमल्स कैन नॉट मेक food from carbon dioxide and water present around us, ठीक है, by the process of photosynthesis like the plant do, because our body does not have the green pigment called chlorophyll which the plants have. The green pigment chlorophyll is necessary to absorb energy and sunlight required from मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब मैंने पढ़ रहा है भैया ध्यान से पढ़ के दिखा, हंस के हिम्मत दिखा, कम से कम पता लगना चाहिए ना, पढ़ाई भी करता है। इंग्लिश में या हिंदी में? हिंदी में समझा, इंग्लिश में मैं बोल चुकी हूँ, मुझे हिंदी में बताएगा तभी समझ में आएगा कि तुझे समझ में आया। जो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस से अपने लिए फूड बना सकते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस उसे बोलते हैं जो प्लांट्स में जो फूड बनाने के लिए, मुझे हिंदी में समझ, हाँ इंग्लिश में बता। ग्रीन प्लांट्स है जो पिछले चैप्टर में था, ग्रीन प्लांट, हाँ जो अपने लिए क्या करते हैं। Those organisms which can make the food make food themselves from simple substances like carbon dioxide and water are called photosynthesis. आगे तुम जाओ फिर मुझे हिंदी में। और फिर जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें उनमें ऑटोट्रॉप्स होता है।
क्योंकि ये ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए वो अपना फूड अच्छे से बना लेते हैं, इसलिए उनमें ऑटोट्रॉप्स होता है। और अगर सिंपल वर्ड में कहें तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ ड्यूटेशन होता है। और फिर अब ऑटोट्रॉप जो एक मटेरियल कंटेन करते हैं वो उसे कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, और नहीं सॉरी वो ग्रीन पिगमेंट होता है और उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल शाबाश। मतलब जो कि उन्हें सनलाइट से सनलाइट लेने में हेल्प करता है। चलो ऐसे तो उबलो गाइस अभी। चलो गाइस ये प्रोजेक्ट और ये साइंस का प्रोजेक्ट। एक सेकंड ना, मैं प्रोजेक्ट भूल गया था किस सब्जेक्ट का है। अच्छा फिर याद है मुझे साइंस का है। साइंस का ही है। हाँ ग्लोबल वार्मिंग। सही बन गया। तो डेकोरेशन हो रही है यहाँ पे। थोड़ी सी डेकोरेशन बेड पे रख के। So guys, ये रहा प्रोजेक्ट पूरा। So guys, इसमें बस कुछ नहीं है, कंपैरिजन करना है इंडिपेंडेंस अब तक लेके क्या क्या चेंजेस आ गए। वो भी दिखा आर्ट का। आर्ट का वो पोर्ट। So guys, ये पॉट है guys। प्लॉट प्लॉट है। पॉट है ना। कैसे बैठे हुए हो? अरे क्या करूं, मैं थक गई हूँ। तेरे प्रोजेक्टों में हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ सो गाइस, इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। होप करते हैं अगर आपका व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।